morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना, और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ. जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था कि आप लोग जो है बुक जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए स्कूल से जाके, है ना, क्योंकि बिना बुक के आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बुक को खरीद लें, ठीक है? और चलिए तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं. पिछले क्लास में मैंने आपको सीरियल्स नेम बताए थे विद हिंदी मीनिंग, है ना, मतलब अनाजों के नाम उनके हिंदी अर्थ सहित. और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंसेक्ट, है ना. हम लोग आज इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंसेक्ट मीन्स होता क्या है, कीड़े मकोड़े, है ना. चलिए तो इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और ऐसे इंसेक्ट्स सब हैं जिनका तो आपको नाम भी बहुत का नहीं पता होगा. हम देखते हैं उसे, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपरली जानते नहीं हैं कि उस कीड़े को, उस इंसेक्ट को हम बोलते क्या है, ठीक है. तो आज जो है मैं आपको इंसेक्ट नेम भी पढ़ाऊंगी और हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए और आप अच्छे से समझ भी जाए, ठीक है. चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा, और जब मैं लिखूंगी तो आप लोग भी लिखेंगे और जब मैं समझाऊंगी तो आप लोग लिखना छोड़ के पहले समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ आपको. और एक और बात, आप लोग को जो होमवर्क मिला था आई होप आपने उसे सुनाया होगा, बट जिन लोगों ने लिखा है ना और सुनाया अभी तक नहीं है, वो पहले सुनाने वाला काम करेंगे, फिर इसको जो आज मैं लिखवाऊंगी उसको याद करेंगे. और जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई है पिछली, वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, फिर उसको नोट करेंगे और फिर याद करेंगे. ओके, चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं. इंसेक्ट्स नेम, है ना, कीड़ों के नाम विथ देयर हिंदी मीनिंग, ठीक है. अब चलिए, कीड़े मकोड़े में तो बहुत इजी नेम भी है और बहुत हार्ड नेम भी है जिसको हम लोग जानते तक नहीं है. तो पहले हम लोग इजी से शुरू करते हैं, है ना, जैसे जो कीड़ा मकोड़ा जो है जिसका हम इजीली नाम वगैरह जानते हैं. चलिए क्या है पहला, ए एंड टी, एंड. एंट मीन्स क्या होता है, तो एंट मीन्स आई थिंक आप सबको पता होगा, चींटी को बोलते हैं, है ना. चींटी जो कि काले रंग की होती है और भी बहुत सारे रंगों में आती है, ये होती है, जैसे आपको रेड कलर की चींटी दिखती होगी आम वगैरह के पेड़ पे, ऑरेंज कलर की चींटी होती है, ब्लैक चींटी होती है, येलो चींटी होती है. तो चींटियों के भी कई प्रकार है. जनरली हम लोग किस कलर की चींटी को देखते हैं घरों में, ब्लैक कलर की, है ना. और इसका जो है साइज वगैरह भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है. कुछ चींटियां क्या करती है, उड़ती है, पता है आपको, कुछ चींटी जो है वो फ्लाई करती है और साथ में चल भी पाती है, और कुछ चींटियां सिर्फ नीचे ही चलती है. और इसके भी बहुत सारे आकार हैं, मतलब बहुत छोटी चींटी भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी चींटी भी आपने देखा होगा, है ना. तो ये भी कई प्रकार की होती है.
अब देखिए एच ओ एन ई वाई बी ई ई, इसको क्या पढ़ेंगे, हनी बी, ठीक है, और हनी बी या बी, ठीक है, अगर आप हनी हटा दे सिर्फ बी पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे तो भी सेम बात ही है, लेकिन आप ऐसे तरीके से समझ लीजिए कि हनी बी जो है किसे कहते हैं, तो हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी, हनी मीन्स मधु मतलब शहद, ठीक है, और बी मीन्स होती है मक्खी, मधुमक्खी, और ये मधुमक्खी जो है क्या करती है, घोंसला अपना छत्ता बनाती है, और फिर क्या करती है, उसमें से क्या निकलता है, शहद निकलता है ना, जिसे हम लोग खाते हैं, जिसकी दवाइयां भी बनाई जाती है, तो ये हनी भी जो है बहुत यूजफुल इंसेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक और बात है कि ये हनी भी काटती भी है, आप लोग में से बहुत लोगों को काटा भी होगा या पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का जब मुंह कान फूल जाता है क्या होता है, वो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, मधुमक्खी के जो आगे में कांटे लगे होते हैं उसके मुंह में, वो जब काटती है किसी को तो वो डंक वहां पे छोड़ देती है, जिस कारण से जहां पे भी काटती है तो वहां पे फूल जाता है, तो हनी भी जो है वो खतरनाक भी है, ठीक है, इससे बच के रहा कीजिएगा। मधुमक्खी ये साधारण मक्खी नहीं है, ये काटने वाली मक्खी होती है, ठीक है, और इससे क्या निकलता है, इसके छत्ते से शहद निकलता है, ठीक है, हनी। अब देखिए डी यू टी टी ई आर एफ एल वाई है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है, तितली, ठीक है, तितली जो है वो काफी खूबसूरत कीट है ना, कीड़ा है, और ये रंग बिरंगी होती है, मतलब बहुत सारी रंगों में ये आती है, और हर साइज की भी होती है, और जब ये उड़ती है तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, क्या होता है इसका मतलब, तितली, आपके क्लासेस में बहुत सारी पोयम भी होंगी तितली के ऊपर। अब है एम ओ एस क्यू यू आर टी ओ मॉस्क्यूटो, ठीक है, मॉस्क्यूटो का मतलब क्या होता है, तो मॉस्क्यूटो का मतलब होता है मच्छर, मच्छर को आप सब जानते हैं है ना, रात में सोने नहीं देता है ना, काट काट के हाल खराब कर देता है, यही होता है मच्छर, क्या करता है ये, इसकी भी डंक होती है आगे में, और ये जब काटती है तो डंक को चुभा देती है, ठीक है, जिससे हमें दर्द होता है, कभी कभी तो खून भी निकाल देती है। और ये जो है मच्छर, इससे बीमारियां भी फैलती है ना, इसलिए मच्छरों से दूर रहना चाहिए, मच्छर जो है ये क्या करती है, कहीं गंदगी से उठ के आती है, हमें काटती है और फिर हमें बीमार कर देती है ना, फलेरिया वगैरह और मलेरिया वगैरह जो है बीमारी वो किसकी वजह से होता है, मच्छरों की वजह से, ठीक है ना, तो आप लोग भी मच्छर से दूर ही रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब है बीई डी बी यू जी बेड बग, बेड बग का मतलब क्या होता है, तो बेड बग का मतलब होता है खटमल, और खटमल क्या होता है, तो खटमल जो है बहुत ही ये है, सॉरी ये कुछ नहीं है, खतरनाक नहीं है, कहने का मतलब ये जो है कहाँ पे रहती है, हमारे बिस्तरों में, ठीक है, जिस बिस्तर को बहुत दिनों तक साफ नहीं किया जाता है या बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना, और वहां पे गंदगी होती है, धूल होती है, तो गंदगी से क्या होती है, बेडबग जो है वहां पे आ जाती है, खटमल आ जाती है, और फिर वो पूरे बिछावन को बहुत ही खराब कर देती है ना, तो ये बहुत बेकार सी इंसेक्ट है। नाम क्या है इसका, खटमल, और एक बार अगर ये बिछावन में लग जाती है तो फिर रात भर सोने भी नहीं देती है, पता है।
अब देखिए अब है WASP वास्क, है ना। वास्क मीन्स क्या होता है, वास्क मीन्स होता है ततैया। ततैया कैसा होता है, तो ये छोटी सी काले रंग की इंसेक्ट है जो कि उड़ती रहती है और ये भी क्या करती है, काटती है। लाइक हनी भी, इसका भी डंक होता है और ये भी काटती है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। चलिए पहले तो इतना नोट कीजिए, फिर इसको वाइप करूंगी, उसके बाद आगे का लिखवाऊंगी, ठीक है। नीचे में ज्यादा जगह है नहीं। चलिए एक बार लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, फिर आपको लिखना है राइट एंड रिमेम्बर, उसके बाद आप फर्स्ट टाइम में लिखेंगे इंसेक्ट्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग, और उसके बाद ये लिखना शुरू करेंगे। 6 तक लिख के रुकेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद 7 to 10 भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए तो लिखा आप लोगों ने, गोडा एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है ANG एंड, एंड मीन्स चींटी। HONEY हनी, BEE, है ना, हनी बी मीन्स मधुमक्खी। BUTTERFLY बटरफ्लाई, दैट मीन्स तितली। फिर MOSQUITO मॉस्किटो, दैट मीन्स मच्छर। अब आपका BED BUG बेडबग, बेडबग का मतलब क्या होता है, खटमल। अब आपका WASP वास्क मीन्स ततैया, ओके। चलिए तो मैं इसको वाइप कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे का लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। HOUSEFLY हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है, तो हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, ठीक है। मतलब हाउस मीन्स घर और फ्लाई मीन्स मक्खी, घरों में जो मक्खियां उड़ती है ना, उसे ही हाउस फ्लाई के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मॉस्किटो जितना खतरनाक है ना, बीमारियां फैलाता है, उसी तरीके से ये हाउस फ्लाई जो है ये भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है ना। वैसे तो हमें हार्म डायरेक्टली करती नहीं है, है ना, ये काटती नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत ही हार्मफुल चीजें हमारे शरीर में पहुंचाती है। कहने का मतलब कि ये जो है गंदगी पे बैठती है, ठीक है। मक्खियां जो है
आप देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी कचरा वगैरह है, गंदगी है, वहां पे मक्खियां पनपती हैं, है ना, नाले वगैरह में, किसी गंदी जगहों पे। लेकिन क्या करती है ये, वहां से उठती है, वहां से अपने पैरों में गंदगियां लेके, और फिर क्या करती है, हमारे घरों में आती है, हमारे चीजों पे बैठती है, और सबसे बुरी बात कि ये हमारे खानों पे भी बैठती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा होगा ईबीएस में, गुड मैनर्स में, कि वी शुड ऑलवेज कवर द फूड, है ना, कि हमें खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए, खाते समय उसको हाथ से हटाते रहना चाहिए ताकि मक्खियां हमारे खाने पे आके बैठे नहीं। तो कहने का मतलब कि मक्खियों से हमें बच के रहना चाहिए, उसे अपने खानों पे नहीं बैठने देना चाहिए, हमारी चीजों से उसे दूर रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हाउस फ्लाई आपके घर में ना हो, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से हमें प्लेग, हैजा वगैरह जो बीमारियां होती हैं गंदगी की वजह से, वो हमें हो सकती है, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हाउस फ्लाई जो है वो आपके खानों पे नहीं बैठे और आपकी चीजों पे नहीं बैठे, है ना, और उसे पॉल्यूटेड ना करे। चलिए नेक्स्ट है, COCKROACH, कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो नाम आप लोग जो है जानते होंगे, आई थिंक। कॉकरोच का मतलब क्या होता है, तिलचट्टा, है ना। और ये कैसा होता है, तो ये मैरून कलर का या ब्राउन कलर जो कहिए उस कलर का ये इंसेक्ट है। और ये क्या करती है, ये उड़ भी सकती है और ये जमीन पे भी चलती है। और ये भी क्या कहाँ पे होती है, गंदगी में ही, है ना, नमी वाले जगहों पे, जहाँ पे धूप नहीं जाता है, पानी वगैरह का ज्यादा समस्या रहता है, तो वैसे जगहों पे कॉकरोच जाती है और वहां का सारा चीज जो है बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट भी हार्मफुल है चीजों के लिए। क्या नाम है इसका, तिलचट्टा। चलिए नेक्स्ट है, GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है, तो ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा, ठीक है। और टिड्डा होता कैसा है, तो ये ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है जो काफी बड़ा होता है। टिड्डा आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर खेत वगैरह में रहते हैं या घरों में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये ब्लैक कलर का इंसेक्ट, सॉरी ग्रीन कलर का इंसेक्ट है, जो कि काफी हल्का होता है, ठीक है। देखने में आपको लगेगा एकदम पतला सा है और इसकी पैर जो है अजीब खड़ी रहती है और बॉडी नीचे की तरफ झुका होता है, ठीक है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको इसकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। क्या नाम है इसका, टिड्डा। यहाँ पे हलंत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, TERMITE, इसको पढ़ते क्या है, टर्माइट, ठीक है। और टर्माइट का मतलब क्या होता है, तो दीमक। दीमक जो है, बताती हूँ मैं, दीमक जो है लाइक एंट, है ना, चींटी की तरह ही दिखने वाला एक इंसेक्ट है, लेकिन चींटी से इसका रंग अलग होता है। ये व्हाइट कलर की चींटी होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, नमी वाले जगहों पे ये भी पाई जाती है, और ज्यादातर आप पेड़ में देखेंगे, है ना, पेड़ में दीमक लग जाता है या कोई भींगा हुआ चीज बहुत दिनों तक उसे हटाया नहीं जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है, टर्माइट्स हो जाते हैं, मतलब दीमक लग जाता है, और उस चीज को पूरा का पूरा वो खा के खोखला कर देती है, ठीक है। तो ये भी बहुत हार्मफुल है, पेड़ वगैरह में या खेतों में जब दीमक लग जाता है तो पूरे फसल को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो इससे भी बच के रहना चाहिए, अपने घरों को साफ सफाई में रखना चाहिए ताकि दीमक ना लगे। आप देखते होंगे कभी कभी बुक्स वगैरह जो हैं या फिर पेपर वगैरह बहुत दिनों तक, लगभग आप साल दो साल उसको छोड़ दीजिए अगर, और वहां पे भींगा हुआ है बारिश की वजह से या पानी की वजह से, तो वहां पे क्या होता है, नमी आ जाती है ना, वो चीज सड़ने लगता है और सड़ के क्या होता है, वहां पे दीमक लग जाता है, ठीक है। तो ये टर्माइट है, जिसका मतलब क्या है, दीमक, ठीक है।
चलिए तो इसी के साथ आज हमारा 10 जो इंसेक्ट्स है मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो 10 है वो मैं आपको अगले दिन दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार चलिए मेरे साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखते रहना। 7 नंबर है HOUSEFLY housefly, housefly means मक्खी। COCKROACH cockroach means तिलचट्टा, सॉरी तिलचट्टा। अब GRASSHOPPER ग्रास हॉपर, उसका मतलब क्या है, टिड्डा। फिर आपका TERMITE टर्माइट, टर्माइट मीन्स दीमक, ओके। चलिए नेक्स्ट जो लाइन आपका बचा है 6 के बाद, उसमें 7, 8, 9 के लिख के कंप्लीट कीजिए जल्दी से। चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया तो वेरी गुड। सॉरी आज का जो है आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसको लिखना है अच्छे राइटिंग में, साफ सुथरे राइटिंग में, और फिर आपको इसको याद करके रखना है ना, याद करके, और घर पे आप सुनाएंगे जिसको भी आप सुनाते हैं, ठीक है, भैया दीदी या आपके मम्मी पापा जो भी आपसे रोज सुनते हैं आप उनको सुनाएंगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।